साइंस भाई रंजीत सर में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपने जो चैप्टर है ये क्लास 4 का साइंस की पढ़ाई चल रही है, इसमें आपने फैमिली एंड फ्रेंड में माय एक्सटेंड फैमिली पढ़ा और फीलिंग अराउंड विथ आई सर्ट में आपने स्पेशल पीपल के बारे में पढ़ा। अब आज जो पढ़ना है इसमें आपको और सारी बातें जानना है ना। देखिए ध्यान से, दोज हु आर ब्लाइंड यूज सेंस ऑफ टू टच ब्रेल स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रॉ राइज डॉट। ब्रेल स्क्रिप्ट होता है जिससे जिन व्यक्तियों को देखने में समस्या होती है, मैंने नहीं देख सकते, आंखें काम नहीं करती, वो ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाई लिखाई करते हैं। दिस स्क्रिप्ट रिटन, ये लिखे जाती है किस में, थिक पेपर में, बाय मेकिंग रॉ ऑफ डॉट्स, राइजिंग डॉट्स, उसमें छेद छेद करके लिखा जाता है। दोज हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकते उनको डीफ कहते हैं, यानी जो लोग सुन नहीं सकते उनको डीफ कहते हैं, और कैन नॉट स्पीक रेफर एज डम, उनको डम कहते हैं। दे कम्युनिकेट बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज, यानी वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। डीप और डम, यानी कि जो नहीं सुन सकते बहरे, और जो नहीं बोल सकते गूंगे, वे इस्तेमाल करते हैं साइन लैंग्वेज का, ठीक है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइज द प्रॉब्लम ऑफ दिस स्पेशल पीपल बाय पुटिंग आवर सेल्फ इन द सिचुएशन। हमें उनके सिचुएशन को समझते हुए उनके साथ उनके प्रॉब्लम समस्याओं का निदान करना चाहिए। दिस रियलाइजेशन मेक्स योर एटीट्यूड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग देम। यही हमें करता है, यही सराहना उनको आम जिंदगी तरह व्यतीत करता है। उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे डिसेबल हैं, हमें उनके साथ मानवता जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह यह पहला चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड जो है आपका ख़त्म हुआ। आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।